हेलो गाइस, आप देख रहे हैं VMK टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं 4-way ट्रैफिक लाइट कंट्रोल प्रोजेक्ट्स को। तो आप इस प्रोजेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले सिग्नल लाइट्स बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने इस तरह से PCB को कट कर लिया है और फिर हम पहले एक रेड LED बल्ब लेंगे और इसका बड़ा जो लैग होगा वो पॉजिटिव होगा और जो छोटा है वो नेगेटिव होगा। इसी तरह से हम फिर येल्लो LED लेंगे और इसके भी बड़े लैग को हम उसी साइड रखेंगे जिस साइड हमने रेड का रखा है। और फिर इसी तरह से हमने ग्रीन लाइट ली है, इसका भी बड़ा जो लैग होगा वो पॉजिटिव और छोटा नेगेटिव। तो हम सभी के जो बड़ा लैग होगा यानी पॉजिटिव लैग को एक साइड रखेंगे और नेगेटिव लैग को एक साइड रखेंगे। अब हम इन सभी को फिक्स कर देंगे सोल्डरिंग की मदद से। तो हम सभी में सोल्डरिंग कर देते हैं। तो हमने सोल्डरिंग कर दिया है सभी में। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के एक साइड यानी नेगेटिव साइड के सभी पॉइंट को एक साथ ज्वाइंट कर देंगे यानी उन्हें कॉमन कर देंगे। तो हम इनमें भी सोल्डरिंग करेंगे। तो हमने इन तीनों के नेगेटिव पॉइंट को कॉमन कर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इनके पॉजिटिव पॉइंट में एक एक वायर को ज्वाइंट करेंगे यानी रेड में रेड वायर को ज्वाइंट करेंगे रेड के पॉजिटिव में, और इसी तरह से येलो LED के पॉजिटिव में हम येलो वायर को और ग्रीन LED के पॉजिटिव में ग्रीन वायर को, और सभी के नेगेटिव में हम ब्लू वायर को ज्वाइंट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने सभी का पॉजिटिव अलग अलग ज्वाइंट कर दिया और नेगेटिव कॉमन कर दिया है। इसी तरह से हमने इस तरह से 4 LED सिग्नल बना लिए हैं। अब इस तरह से हमने ये पेपर के रोल बना लिए हैं, इनमें हम वायर्स को निकाल लेंगे। तो हमने इस तरह से इस पेपर के रोल में से वायर को निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, इसे हम इसी PCB में फिक्स कर देंगे ग्लू की मदद से। तो हमने इस तरह से फिक्स कर दिया सभी चारों पिलर्स को, तो ये 4 सिग्नल बन जाएंगे। अब इसके बाद हम एक प्लाईबोर्ड लेंगे, इस पर हम इन सभी को सेट करेंगे यानी सभी पिलर्स को सेट कर देंगे ग्लू की मदद से। तो हम इस तरह से इनमें नीचे बेस में ग्लू लगा देते हैं और इस तरह से हम इन्हें इसी प्लाईबोर्ड में फिक्स कर देंगे। तो हमने चारों पिलर्स को इस तरह से फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद हम आर्डिनो यूएनओ बोर्ड लेंगे और इसे भी हम ग्लू की मदद से इसी में फिक्स कर देंगे। तो हमने आर्डिनो यूएनओ बोर्ड को भी फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद मेल टू ग्रीन जंपर वायर लेंगे, 2 रेड जंपर वायर और 2 येलो जंपर वायर और 1 ब्लू जंपर वायर। अब इसके बाद हम इन सभी जंपर वायर को बीच से कट कर देंगे जिससे हमारे पास ज़्यादा जंपर वायर हो जाएंगे। अब इसके बाद हम इनके कनेक्शन करेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पिलर के वायर्स में जंपर वायर्स को कनेक्ट करेंगे। तो हम रेड वायर्स में रेड जंपर वायर को और येलो वायर्स में येलो जंपर वायर्स को और ग्रीन वायर में ग्रीन जंपर वायर्स को ज्वाइंट कर देंगे, और इसी तरह से हम सभी पिलर्स में इसी तरह से वायर्स को ज्वाइंट कर देंगे और ब्लू वायर को अभी छोड़ देंगे, अभी उसका कनेक्शन नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने ज्वाइंट कर दिए। अब इसके बाद हम सभी पिलर के ब्लू वायर को एक साथ ज्वाइंट कर देते हैं इस तरह से। अब इसके बाद हम उसमें भी एक जंपर वायर को ज्वाइंट कर देते हैं। तो हमने ज्वाइंट कर दिया है। अब इसके बाद हम फर्स्ट सिग्नल यानी फर्स्ट पिलर के कनेक्शन करेंगे आर्डिनो बोर्ड से। तो फर्स्ट का ग्रीन को हम 2 पिन से आर्डिनो की और येलो को 3 से और रेड को 4 नंबर पिन से ज्वाइंट कर देंगे। अब इसी तरह से सेकंड पिलर के कनेक्शन ग्रीन का हम 5 से और येलो का 6 से और रेड का 7 से ज्वाइन कर देते हैं यानी कनेक्शन कर देते हैं। अब इसके बाद थर्ड पिलर का कनेक्शन करेंगे। तो थर्ड के ग्रीन का 8 में और येलो का 9 में और रेड का 10 में। अब इसी तरह से फोर्थ पिलर के कनेक्शन करेंगे। तो ग्रीन का इसके हम 11 में और येलो का 12 में और रेड का 13 में। तो अब इसके बाद हम जो कॉमन वायर है ब्लू वायर, उसका कनेक्शन हम ग्राउंड में करेंगे, जो 13 के बाद है ग्राउंड, इसमें ज्वाइंट कर देते हैं। इस तरह से हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम इसमें प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। तो हमने OTG केबल को कनेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम जो प्रोग्राम ओपन किया है, तो सॉफ्टवेयर में जाके टूल्स में जाके पोर्ट एंड बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद हम प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं। तो कुछ टाइम में ये प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अब इसके बाद हम उसी OTG केबल में
हम अपने मोबाइल का चार्जर ज्वाइंट करके अब इसे पावर देते हैं तो ये पावर ऑन हो जाती है। तो अब इस तरह से ये वर्क करने लगता है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये इस तरह से सिग्नल्स को चेंज कर रहा है, यानी तीनों सिग्नल्स जब रेड रहेंगे तो एक ग्रीन रहेगा, फिर जब दूसरे पर ट्रांसफ़र होगा तो पहले दोनों का येलो ऑन हो जाएगा और फिर उसके बाद सेकंड पर ट्रांसफ़र होगा। तो आपको इस तरह से सिग्नल चेंज होते हुए दिख रहा होगा। तो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।